हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टाम एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज चिकन फ्राइड राइस। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है, एक बाउल है। चिकन के मैंने छोटे छोटे चंक्स में टुकड़ों में काट लिया है इसे। 4 बड़े चम्मच अनियन का जूस है, अनियन को ग्रेट करके उसको निचोड़ लें, उसका जूस है ये। 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस है, 2 बड़े प्याज हैं लॉन्ग स्लाइसेस में कट किए हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, हींग 4 से 5 चुटकी, कैरम सीड अजवाइन 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून और सौंफ 1/2 टीस्पून। एक बाउल मिक्स वेज है। आप फ्रेश या फ्रोजन कोई सी भी मिक्स वेज यूज कर सकते हैं, मैंने फ्रोजन यूज की है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा 2 बड़े कप मैंने चावल है जो बॉईल करके ठंडे होने के लिए रखे हैं। तो एक डीप पैन में 4 बड़े चम्मच तेल डालें और उसमें चिकन के चंक्स डालकर उन्हें अच्छे से तल लें। इनका कलर जैसे चेंज होगा, इनको हल्का चलाते हुए रहें साथ में, हाई फ्लेम पर इनको तलना है। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएं तो इनको साइड में निकाल कर रख लें। और जो बाकी बचा हुआ तेल होगा उसी में हम जिंजर गार्लिक और अनियन डाल के उनको भी हल्का सा तल लेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट से दिखें, इनको भूनेंगे नहीं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट से दिखें, तो उसमें फिर हम जो मिक्स वेज है वो सारी डाल देंगे। तो मिक्स वेज डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर दें और इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। जो सब्जियां हैं उनमें थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, तो हल्का सा चलाएं से 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसमें सभी सूखे मसाले ऐड कर दें और मसालों को अच्छे से मिक्स करके कुक कर लें 1 से 2 मिनट तक और हाई फ्लेम पर ही, और इसे लगातार चलाते भी रहें। तो जब सभी मसाले अच्छे से पक जाएंगे, मसाले के साथ सारी जो वेजिटेबल्स प्याज हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर इसमें हम जो चिकन हमने रखा था वो डालना है और साथ में जो अनियन जूस था वो डाल देंगे। तो ये मिक्स कर लें अच्छे से, सोया सॉस ऐड करें, मिला लें इसे अच्छी तरह से और साथ में टोमेटो केचप भी ऐड करते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर कुक करें ताकि जो जूसेस हैं चिकन और वेजिटेबल के अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं और ये ड्राई सा हो जाए। अब इसमें चावल ऐड करें और अच्छे से फिर से मिला लें 2 से 3 मिनट तक और पकाएं। और ये देखिए मिक्स वेज और चिकन फ्राइड राइस रेडी है। जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।